नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। तो आज हम सब लोग इंडेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, जो सारे सूचकांक आते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि इंडिया की स्थिति उसमें से क्या है। तो जो भी सारे इंपॉर्टेंट सूचकांक हैं वो सारे मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ और लास्ट में फिर कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम लोग इस वीडियो से कितना सीखे। तो आप बस वीडियो में बने रहिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहले सूचकांक के बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व खुशहाली सूचकांक, और ये लेटेस्ट 2022 का है। तो इसमें इंडिया का रैंक है 136 आउट ऑफ 146, मतलब 146 देशों की रैंकिंग में इंडिया का जो रैंक है वो है 136। लास्ट ईयर और भी ख़राब था, लास्ट ईयर था 139, यहाँ से हम लोग थोड़ा सुधार किए हैं और अब आए हैं 136 पर। अब कोई भी इंडेक्स के बारे में जब आप पढ़ते हैं ना, तो उसमें दो तीन चीज़ें अगर आप ध्यान रखें तो वो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। खास करके सबसे पहले ये है कि इस सूचकांक में इंडिया का रैंक क्या है, फिर उसे जारी कौन करता है और टॉप पे कौन सा देश है। अगर ये दो तीन चीज़ें भी आप ध्यान में रख लेंगे तो आपका काम लगभग चल जाएगा। तो ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, इसमें इंडिया का रैंक है 136 और इसे जारी करती है यूनाइटेड नेशंस की सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, ये संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है। अब इसमें जो टॉप पे है, जो सबसे अच्छा है, मतलब जो सबसे खुशहाल देश है दुनिया में इस रैंक के अनुसार, वो है फिनलैंड, दूसरे पे है डेनमार्क और तीसरे पे है आइसलैंड। तो ये जो तीन देश है ये दुनिया के सबसे खुशहाल देश हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से। और ये जो रिपोर्ट है 2022 का, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का 10वां रिपोर्ट है, इसके पहले 9 रिपोर्ट जारी हो चुका था, ये 10वां है। अब जो सबसे दुखी देश है इस रिपोर्ट के हिसाब से वो है अफगानिस्तान, जिसकी रैंक है 146, मतलब सबसे लास्ट। अब इंडिया का भी रैंक आप देख रहे हैं 136 और सिर्फ 10 रैंक पीछे है अफगानिस्तान, जो कि है लास्ट, मतलब इंडिया का रैंक बहुत ही बुरा है। अब इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया के जो सारे नेबर हैं, सारे पड़ोसी हैं, यहाँ तक कि बांग्लादेश और पाकिस्तान भी इंडिया से अच्छे रैंक पे है। बांग्लादेश का रैंक है 99th, पाकिस्तान का 103, मतलब 103। श्रीलंका, जहाँ पे अभी हालात इतने बुरे हैं आर्थिक हालात, फिर भी वो इंडिया से बेहतर है और उसका रैंक है 126। नेपाल का है 85। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इंडिया की स्थिति इस रैंक के हिसाब से कितनी ख़राब है खुशहाली के मामले में। अब जब आप देख रहे हैं कि इंडिया की स्थिति इतनी बुरी है, तो आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर वो फैक्टर्स क्या हैं जिसके बेस्ड पे ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है, इंडेक्स जो है, वो निकाला जाता है। तो ये इसमें से एक फैक्टर है रियल जीडीपी पर कैपिटा। हालांकि जो अगर जीडीपी की बात करें तो ओवरऑल जीडीपी में हम तो अभी दुनिया के 5वें स्थान पे है, इंडिया 5वें स्थान पे, अभी हाल ही में यूके को हम लोगों ने पीछे छोड़ा है, तो जीडीपी में तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे है रियल जीडीपी पर कैपिटा, मतलब प्रति व्यक्ति, उसमें हम लोग पीछे हैं। दूसरा जो फैक्टर है वो है सोशल सपोर्ट, मतलब सामाजिक रूप से आपको कितना सपोर्ट मिलता है। तीसरा है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक स्वस्थ रूप से आप कितना जीवन जी सकते हैं, कितने साल तक। फिर लाइफ में चॉइसेस लेने के लिए आपको कितनी स्वतंत्रता है। फिर जेनरोसिटी क्या है। फिर करप्शन का परसेप्शन क्या है आपके देश में। तो ये जो 6 फैक्टर हैं, 6-7 फैक्टर हैं, ये देखे जाते हैं इस रिपोर्ट को बनाते टाइम पे। अब क्या है कि ये जो रिपोर्ट जो बनाती है यूनाइटेड नेशंस की सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, ये बताती है कि इंडिया क्यों पीछे है इस रिपोर्ट में। तो वो जिक्र करती है, पहला जो वजह देती है वो है रैपिड अर्बनाइजेशन विद कंजेशन इन सिटीज़, मतलब बहुत तेज़ी से शहरीकरण हो रही है और शहरों में बहुत भीड़ हो जा रहा है, मतलब बहुत कंजेस्टेड रूप से लोग रहते हैं, बहुत ही कम स्पेस में तो लोग खुश ज़्यादा नहीं है। दूसरी जो वजह देती है ये रिपोर्ट, वो देती है डिक्लाइनिंग इनकम्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जो आय है प्रति व्यक्ति वो बहुत तेज़ी से घट रही है और बेरोजगारी दर बढ़ रही है। तीसरा, अनफेवरेबल परसेप्शंस अबाउट करप्शन इन द कंट्री, मतलब अगर इस देश में अगर करप्शन को लेकर बात करें तो लोगों के जो परसेप्शन है वो अच्छे नहीं है, मतलब लोग मानते हैं कि हाँ करप्शन तो बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे बहुत भयंकर रूप से होता है। फिर राइजिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, जो यहाँ पे हेल्थ केयर जो है, मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, उसका जो कॉस्ट है प्रति व्यक्ति, या तो अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो यहाँ जो हेल्थ केयर का कॉस्ट है वो
बहुत ज़्यादा है और सरकार तो उसका खर्च वहन नहीं करती है। फिर विमेन सेफ्टी, मतलब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी हालत यहाँ पे ठीक नहीं है। फिर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस की, मतलब पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि हम लोग देखते हैं खास करके नवंबर और दिसंबर में दिल्ली जो हमारी कैपिटल है वहाँ की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है। तो ये सब वजह देती है यूनाइटेड नेशंस की वो संस्थान जो कि जारी करती है इस रिपोर्ट को, और वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, की ये सब वजह है इंडिया के पीछे रहने का। तो इसमें जो मोटा मोटी तीन चार बातें हैं वो आप ध्यान रखिएगा कि इंडिया का रैंक क्या है, 136, जारी कौन करती है, यूनाइटेड नेशंस की सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, और टॉप पे है फिनलैंड और डेनमार्क, और लास्ट है अफगानिस्तान। ये तीन चार बातें भी ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे रिपोर्ट के बारे में, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो अगर आपको पहला जो रिपोर्ट था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो था, इंडेक्स जो था, वो देखकर अगर आप दुखी हो गए होंगे तो ये इंडियंस के लिए एक अच्छी खबर आती है इस रिपोर्ट में, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, मतलब व्यापार को लेकर सुगमता मतलब कितनी है आपके देश में। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये है 2020, इसलिए क्योंकि 2020 में ये जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है ये आखिरी बार जारी हुई थी, उसके बाद इस रिपोर्ट को रोक दिया गया है क्योंकि इसमें कुछ करप्शन पाया गया इस रिपोर्ट को बनाने में। तो खैर हम लोग अपने रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। इंडिया का जो इसमें रैंक है वो है 63, हालांकि 63 कोई बहुत अच्छा रैंक नहीं है, लेकिन अच्छा इस मामले में है क्योंकि अगर आप 2015 में देखें तो इंडिया का रैंक था 142, और तब से लेकर 2020 में इंडिया का रैंक आ गया 63। इस मामले में ये रिपोर्ट अच्छा है, इंडिया के लिए एक अच्छी खबर लेकर आती है। और 2019 में ये जो रैंक था इंडिया का वो था 77th, मतलब सीधा 14 पायदान की छलांग लेकर 2020 में इंडिया आ गया था 63rd पे। तो जो सबसे पहला रिपोर्ट था ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का वो जारी हुआ था 2003 में, और आखिरी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 2020 में, उसके बाद ये रिपोर्ट आना भी फिलहाल बंद हो गया है। तो इस रिपोर्ट को जारी कौन करती है, वो करती है वर्ल्ड बैंक, मतलब विश्व बैंक इस रिपोर्ट को जारी करती है। तो इसमें भी दो तीन बातें आप ध्यान रखें, इंडिया का रैंक है 63 और इसे जारी करती है वर्ल्ड बैंक। अब इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे कि टॉप पे कौन है। तो फिर इसके बाद क्या है, इस एनुअल, ये जो एनुअल रिपोर्ट है मतलब साल में एक बार आता है, तो इसे क्यों जारी किया जाता है, ये जारी इसलिए किया जाता है क्योंकि वर्ल्ड बैंक इसे जारी करते वक्त ये देखना चाहती है कि जो दुनिया भर की सरकारें हैं वो अपने देश में बिजनेस को आसान करने के लिए जो रिफॉर्म या तो फिर जो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो बनाती है उसका धरातल पर क्या असर हुआ है, क्या व्यापार करने को, मतलब व्यापार करने में थोड़ी आसानी हुई है, ये सब जो बनाती है सरकारें जो अपने देश में व्यापार करने को व्यापार के लिए व्यापार के आराम के लिए जो पॉलिसीज़ बनाती है, क्या उससे सच में कुछ फ़ायदा हुआ है उस देश को। तो इसीलिए ये रिपोर्ट जारी करती है वर्ल्ड बैंक। अब इसके बारे में बात करते हैं कि अगर आपका रिपोर्ट या तो इंडेक्स में अगर आपका अच्छा होगा रैंकिंग, तो इससे क्या है आपकी स्थिति भी सुधरेगी ग्लोबल मार्केट में। फिर उसके बाद क्या है, अगर साउथ एशियन कंट्रीज़ के बारे में बात करें, मतलब दक्षिण एशिया में जो देश हैं जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, या तो फिर आप श्रीलंका, इन देशों की बात करें, तो इन देशों का अगर आप देखेंगे तो इंडिया इन सब देशों में टॉप पे है, इन सब देशों से बेहतर इंडिया की स्थिति। फिर वर्ल्ड बैंक की एक और अब खामी कहना चाहेंगे इसे, क्योंकि पहले जो क्या थी वर्ल्ड बैंक सिर्फ दिल्ली और मुंबई के ही आंकड़ों को देखती थी, मतलब यहीं पे ये सब देखती थी कि व्यापार करने की सुगमता जो है वो सिर्फ इन दो शहरों के हिसाब से ही ये रैंकिंग बनती थी। लेकिन फिर बाद में वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, कोलकाता और बेंगलुरु को भी इसमें शामिल किया ताकि एक ओवरऑल अच्छा से पिक्चर लिया जाए कि इस देश में व्यापार करने की सुगमता को लेकर क्या स्थिति है। फिर अब पैरामीटर्स की बात करते हैं कि आखिर किन पैरामीटर्स से ये रिपोर्ट निकाला जाता है, तो वो है 10 पैरामीटर्स है, जैसे कि स्टार्टिंग अ बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट करना, परमिशन लेना, ये कितना बड़ा टास्क है इंडिया में, क्या ये मुश्किल है तो रैंक में भी आपका कमी आ जाएगा, अगर आसान है तो रैंक आपका ऊपर चला जाएगा। फिर इलेक्ट्रिसिटी पाना कितना आसान है, कंस्ट्रक्शन परमिट लेना कितना आसान है, ये सब सब देखा जाता है। प्रॉपर्टी को रजिस्टर करना या इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार क्या करती है। फिर लास्ट में एक और क्या है, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, मतलब अगर जो हमारा बिजनेस फेल हो गया तो उसके बाद कितना टाइम मतलब लगेगा उससे बाहर आने में। तो इसके लिए क्या है, सरकार ने क्या किया था, एक IBC बिल पास किया था।
इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बिल था, पास होने के बाद कोड हो गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में पास हुई है। इससे भी इंडिया को रैंकिंग सुधारने में मदद मिली। तो यही सब है। तो मेन मेन बातें आप ये ध्यान रखें कि इंडिया का रैंक था 63, फिर अब तो ये रिपोर्ट आना बंद हो गया। हो सकता है होपफुली आगे फिर से स्टार्ट हो जाए और वर्ल्ड बैंक ये जारी करती है। तो अब बात करते हैं हम लोग तीसरे रिपोर्ट के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है, अक्सर एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो इंडिया का जो रैंक है वो है 132, 132 है, 191 देशों में इंडिया का ये रैंक है। पिछले साल ये था 131 और उससे पिछले साल मतलब 2020 में ये रैंक था 130। तो 2020 में 130 था, 2021 में आ गया 131 और 2022 में आ गया 132। मतलब इंडिया एक के बाद एक रैंक पिछड़ रहा है। हालांकि ऐसा पहली बार हुआ है जब इंडिया लगातार 2 सालों में इस रैंक में गिरावट दर्ज किया है। तो इसमें टॉप पे कौन है? स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड मानव विकास सूचकांक में टॉप पे है। इसका आप ये नंबर है, मतलब इसका जो मार्क्स मिले हैं स्विट्ज़रलैंड को वो है 0.962, जैसे इंडिया का था 0.633। तो इसमें क्या होता है, 0 से लेकर 1 तक मार्क्स दिए जाते हैं, मतलब आपको नंबर्स दिए जाते हैं आपके प्रदर्शन के हिसाब से, आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो स्विट्ज़रलैंड का 0.962, मतलब स्विट्ज़रलैंड एक पे है, नॉर्वे दूसरे नंबर पे है और आइसलैंड तीसरे नंबर पे है। और इस रिपोर्ट को, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट को जारी करती है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सब आप ज़रूर ध्यान रखें कि कौन जारी करता है। फिर इस रिपोर्ट की जो सबसे खास बात ये भी है कि इस रिपोर्ट को बेसिकली लाया गया था किनके एडवाइस पे, एक पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक, उन्होंने ही इस रिपोर्ट को डिज़ाइन किया था और वो किया था 1990 मतलब 1990 में। अब क्या है कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें आखिर मापा क्या जाता है, तो इसमें बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो कुछ बेसिक डायमेंशंस होते हैं वो मापे जाते हैं, जैसे अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एक लंबी और स्वस्थ जीवन, फिर एजुकेशन शिक्षा को, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आपकी कितनी डिसेंट है ये नापा जाता है। अब क्या है, 4 इंडिकेटर होते हैं जिसके बेस्ड पे ये बनाया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब जन्म के समय पे आपकी जीवन प्रत्याशा क्या है, या तो जन्म लेते ही बच्चे मर जाते हैं तो वहाँ पे ये फिर रैंकिंग आपकी घट जाएगी, या तो फिर 1 साल के अंदर मर जाएंगे तो रैंकिंग ये घटती है। फिर मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब बच्चे कम से कम कितने साल स्कूल जाते हैं। फिर एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मतलब एक औसतन एक बच्चा कितने साल स्कूल जाता है। फिर ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, पर कैपिटा आपके देश में नेशनल इनकम क्या है। ये 4 फैक्टर्स पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग बहुत पीछे है। इंडिया की रैंकिंग है 132, 191 देशों में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। इंडिया का जो मैंने बताया वैल्यू आपको वो है 0.633। इंडिया जब 2020 में 130 रैंक पे थी तो उस समय इंडिया का नंबर ये था 0.645, अभी है 0.633। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पहली बार ऐसा हुआ है जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लगातार 2 साल नीचे गया है। एक उसका सबसे बड़ा वजह था कोरोना, कोरोना में जीवन प्रत्याशा दर भी लोगों की घटी है, हर देश की घटी है एक्चुअली, तो इसके कारण भी ऐसा हुआ जब लगातार दूसरी बार इसमें गिरावट दर्ज हुई है। अब इसमें भी क्या है, इंडिया के नेबर जैसे श्रीलंका इंडिया से अच्छा प्रदर्शन करती है, 73rd रैंक, चाइना 79th, बांग्लादेश 129th, भूटान 127, और इंडिया से जो पीछे है हमारे जो पड़ोसी उनमें है पाकिस्तान जिसका रैंक है 161, इंडिया से काफ़ी पीछे है। नेपाल 143, हमसे थोड़ा पीछे है। म्यांमार 149, तो ये भी इंडिया से पीछे है। तो ये हम मैंने लिए कुछ पॉइंट्स जिससे आपको पता चले कि नेबर्स और हम में क्या अंतर है इस रिपोर्ट के हिसाब से। अब बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो कि हमारा चौथा है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स लेटेस्ट है 2022 का। तो इसमें बेसिकली क्या है, हर देश के पासपोर्ट को रैंक किया जाता है कि वो कितना पावरफुल है। तो इंडिया का जो रैंक है वो है 83। तो ये रैंकिंग आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इंडिया का रैंक है 83। कितने देशों में? 199 देशों में, 199 देशों को इसमें रैंक किया गया है, जिसमें इंडिया का रैंक है 83 मतलब 83। और ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इसको पब्लिश करती है हेनले एंड पार्टनर्स, एक कंपनी है वो इसको पब्लिश करती है, वो इसको बनाती है। तो इसमें होता क्या है, पासपोर्ट्स को रैंक किया जाता है इस हिसाब से कि उस पासपोर्ट से आप कितने डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं वीज़ा फ्री,
मतलब आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट ना रहे, तो आप ऐसे कितने देशों में जा सकते हैं जहाँ जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत ना पड़े, या तो फिर वीज़ा ऑन अराइवल पे आपका काम हो जाए। जैसे कि मान लीजिए एक इंडियन को अगर थाईलैंड जाना है, तो अगर एक इंडियन थाईलैंड जाना चाहता है तो थाईलैंड क्या है, इंडिया के लिए वीज़ा फ्री है। या तो आप बिना वीज़ा लिए जा सकते हैं, या तो फिर अगर आपको ज़रूरत पड़े तो वीज़ा ऑन अराइवल भी आपको थाईलैंड पहुँचते ही मिल जाएगा। तो वैसे ही इंडिया क्या है, अभी फ़िलहाल में इंडिया ऐसे 60 देश हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे 60 देश हैं जहाँ इंडिया वीज़ा फ्री जा सकती है या तो फिर वीज़ा ऑन अराइवल पे जा सकती है इंडिया। अब इसमें टॉप पे है जापान। आप जापान के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, 199 कंट्रीज़ को रैंक किया गया है, जिसमें 193 ऐसे देश हैं जहाँ पे एक जापानी आदमी बिना वीज़ा के जा सकता है या तो वीज़ा ऑन अराइवल पे जा सकता है। दोनों में ही कुछ खास प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। रैंक दो पे जो है वो है सिंगापुर। सिंगापुर का एक व्यक्ति सिंगापुर के पासपोर्ट से 192 देशों में जा सकता है बिना वीज़ा के। उसके बाद तीसरे और चौथे पे है आप देख सकते हैं जर्मनी और जापान, जो कि है 190 देशों में ये वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। अब इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया, इंडिया का रैंक है 83 और इंडिया 60 देशों में जा सकती है बिना वीज़ा के या वीज़ा ऑन अराइवल पे। ये लेटेस्ट इंडेक्स है 2022 का। तो अगर 2006 की स्थिति आप देखेंगे तो इंडिया उस समय पे सिर्फ 25 देश ऐसे थे जहाँ पे इंडिया वीज़ा फ्री जा सकती थी। अभी उसमें 35 और जुट गए हैं इतने सालों में, और इंडिया अब 60 ऐसे देश है जहाँ पे वीज़ा फ्री एक इंडियन अपने पासपोर्ट से जा सकता है। अब जो सबसे ख़राब है वो है अफ़गानिस्तान का पासपोर्ट। ऑब्वियसली वहाँ पे हालात ठीक नहीं है अब तो, और तालिबान का वहाँ पे कब्जा हो गया है, तो ये सबसे लीस्ट पावरफुल है, मतलब सबसे कम ताकत है अफ़गानिस्तान के पासपोर्ट का। क्यों? क्योंकि सिर्फ 26 ऐसे देश हैं जहाँ पे एक अफ़गानिस्तान का व्यक्ति बिना वीज़ा के जा सकता है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की रैंक है 108। एक पाकिस्तानी नागरिक पाकिस्तानी वीज़ा पे 31 वीज़ा फ्री डेस्टिनेशंस में जा सकता है। अब बात करते हैं पांचवें रैंक के बारे में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो कि है वैश्विक भूख सूचकांक, और ये भी लेटेस्ट 2022 का है। इंडिया का जो रैंक है इसमें वो है 101, जो कि बहुत ही ख़राब है, क्योंकि सिर्फ 116 कंट्रीज़ को रैंक करना था और इंडिया का रैंक उसमें 101 है। हालांकि पिछले साल की बात करें तो उस समय क्या था, 94 था, लेकिन वहाँ पे देश भी कम रैंक किए गए थे, सिर्फ 107 देशों की रैंकिंग थी, तो इंडिया की रैंक 94 थी। तो इस साल भी हालात कुछ ज़्यादा बदले नहीं हैं। इंडिया का जो स्कोर है वो है, इसमें भी स्कोर मिलता है तो वह है 27.5, जो कि बहुत ख़राब ये स्कोर है आउट ऑफ 50, जो कि एक सीरियस कैटेगरी में आता है, कि मतलब आपके अंदर भूखमरी की कैटेगरी काफ़ी सीरियस है। इसमें तीन चार कैटेगरी में इसमें बांटा जाता है, तो इंडिया का जो है वो सीरियस कैटेगरी में, इसके बाद भी और कैटेगरी से जैसे एक्सट्रीमली सीरियस कैटेगरी, मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियस कैटेगरी में आप तो हो, लेकिन इंडिया अभी सीरियस कैटेगरी में है। अब इस रिपोर्ट को जारी कौन करती है, तो वो यूरोप के एनजीओज हैं, कौन कौन से, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्प है, ये दो है एनजीओ जो कि इस रिपोर्ट को जारी करती है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो उसको जारी करती है। अब इसमें क्या है, 18 ऐसे देश हैं जो कि टॉप रैंक पे है, चाइना, कुवैत, ब्राज़ील और भी इसमें कई ऐसे देश हैं जो कि टॉप रैंक पे हैं एक साथ। और ये जो GHI स्कोर है, ये 18 देशों का जो टॉप रैंक पे, उनका लेस देन 5 है, 5 से भी कम है। इसमें जितना कम रहेगा उतना आपकी रैंकिंग बढ़िया होगी। तो इंडिया का देख लीजिए आप, 27.5 है, इसीलिए इंडिया की रैंकिंग इतनी ख़राब है। तो जहाँ पे ये रैंकिंग 5 से भी कम है, इसका मतलब है कि ये सब कंट्रीज़ जो है, ये सब देश में जो लोग हैं वहाँ पे भुखमरी की स्थिति कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं है, मतलब अच्छी है, वहाँ पे भुखमरी है नहीं, और माल न्यूट्रिशन मतलब कि अच्छे से सबको पोषक तत्व, जो भी विटामिन्स और कैल्शियम प्रोटीन्स मिलने चाहिए वो सबको मिल रहे हैं। अब अगर अपने नेबर्स की बात करें तो नेपाल का स्थिति है 76, इंडिया से बेहतर है। बांग्लादेश ये भी 76, क्योंकि एक ही रैंकिंग पे बहुत सारे देश भी इसमें आते हैं, इसीलिए दोनों का रैंक 76 है, और म्यांमार का 71 है। पाकिस्तान भी हमसे बेहतर है इस भुखमरी वाले कंडीशन में, हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान का रैंक है 92 और इंडिया का रैंक आप यहाँ पे देखें, इंडिया का रैंक है 101। तो पाकिस्तान से भी बुरे हालात हैं इंडिया में, बांग्लादेश से भी बुरे हालात हैं। अब है कि GHI स्कोर जो है वो निकाला किस पे जाता है,
तो पहला जो फैक्टर होता है अंडर नरिशमेंट, मतलब कि पोषक तत्व तो नहीं मिले हैं, विटामिन्स नहीं मिल रहे हैं बच्चों को, प्रोटीन्स नहीं मिल रहे हैं, खाने को ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल रही है, जो कैलरी जो एक दिन में जितने कैलरी मिलने चाहिए बॉडी को वो नहीं मिल रहा है, तो ये अंडर नरिशमेंट के कैटेगरी में आ जाता है और इंडिया की स्थिति इसके हिसाब से बहुत ख़राब है। फिर चाइल्ड वेस्टिंग, मतलब कि चाइल्ड की हाइट तो बढ़ रही है लेकिन हाइट के हिसाब से वेट नहीं बढ़ रहा है, शरीर नहीं बढ़ रहा, तो ये चाइल्ड वेस्टिंग में आता है। अब बात करते हैं चाइल्ड स्टंटिंग, इसका मतलब ये कि एज तो बढ़ रहा है लेकिन शरीर नहीं बढ़ रहा, ना लंबाई बढ़ रही है ना मोटाई बढ़ रही है, तो वो सब बच्चे आ जाते हैं चाइल्ड स्टंटिंग में। अब है चाइल्ड मोर्टैलिटी, मतलब कि बच्चों का जो जीवन प्रत्याशा है कि वो कितने साल में, मतलब एक साल के अंदर कितने बच्चे मर जाते हैं, तो वो सब काउंट हो जाते हैं चाइल्ड मोर्टैलिटी में। अगर और इसको काउंट किया जाता है कि अगर एक साल के अंदर बच्चे मर गए तो 1000 में से कितने बच्चे मर जाते हैं, तो ये सब काउंट होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी में। तो इन चारों फैक्टर्स को देखकर निकाला जाता है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, और जिसमें इंडिया की स्थिति काफ़ी ख़राब है, नेबर से भी बहुत ज़्यादा बुरे हालात है और रैंकिंग है 101। तो अब छठे के बारे में बात करते हैं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स मतलब भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, अगर हिंदी में बोले तो, और ये भी 2022 लेटेस्ट का है। इंडिया का जो रैंक है वो है 85, इसमें भी स्कोर मिलता है और स्कोर है इंडिया का 40। तो इंडिया का जो रैंक है वो 85 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़, 180 देशों में इंडिया का रैंक है 85। और ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो जारी करती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो एक इंस्टीट्यूट है वो इसे जारी करती है। अब ये जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट भी आप कह सकते हैं, मतलब एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, जो कि फाउंड हुआ था 1993 में, 1993 में इस NGO का गठन हुआ था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, जो कि बर्लिन जर्मनी में है, और वहाँ से ये रिपोर्ट जारी करती है। अगर टॉप देश की बात करें तो डेनमार्क टॉप पे है, फिनलैंड दूसरे पे है, न्यूजीलैंड तीसरे पे है, और जिनका स्कोर है 88 के आसपास, है ना। जो सबसे ख़राब देश है वो है साउथ सूडान, इसका करप्शन में बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पे साउथ सूडान में, स्कोर है सिर्फ 11। सीरिया का 13 स्कोर है, सीरिया का भी बुरा हालत है मतलब करप्शन के मामले में। सोमालिया, वो ये सब सब है सबसे नीचे हैं। अब अगर पड़ोसियों की बात करें तो सिर्फ भूटान है जो मतलब हमसे अच्छा कर रहा है करप्शन परसेप्शन में, बाकी जो सारे देश हैं हमारे आसपास के वो सब हमसे नीचे ही है। अब बात करते हैं अपने सातवें इंडेक्स के बारे में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, मतलब विश्व प्रेस जो होती है मीडिया स्वतंत्रता सूचकांक 2022। इंडिया का जो रैंक है वो है 150, बहुत ही बुरा, 180 देशों के सामने, 180 देशों के कंपैरिजन में इंडिया का रैंक है 150, मतलब यहाँ पे मीडिया को ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं है इस रिपोर्ट के हिसाब से। अब इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स लिखा है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म है RSF, इसलिए क्योंकि ये जो इसका ये फ्रेंच लैंग्वेज है, इसमें फ्रेंच में इसको पढ़ा जाता है रिपोर्टर्स सैंस फ्रॉटियस, इसका मतलब है, इसीलिए इसको लिखा गया RSF। तो फ्रांस में इसका इंग्लिश में इसका मतलब है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वही इसको जारी करती है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी करती है। तो जो इसमें टॉप रैंक है वो है नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, एस्टोनिया, फिनलैंड, ये टॉप 5 है। तो पहले पे है नॉर्वे, दूसरे पे है डेनमार्क, तो कम से कम पहले एक या दो रैंक आप याद रखें, कौन जारी करता है वो याद रखें, इंडिया का रैंक याद रखें। और नॉर्थ कोरिया, ऑब्वियसली कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना था, ये सबसे बॉटम में है, सबसे नीचे है। अगर रसिया की बात करें रूस की, तो वो है 155वें पोजीशन पे। और ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, ये रैंक करता है देशों को इस हिसाब से कि उस देश में लेवल ऑफ फ्रीडम कितने अवेलेबल है जर्नलिस्टों को, जो जर्नलिस्ट है वो पत्रकार है उनको कितना फ्रीडम अवेलेबल है। हालांकि ये रिपोर्ट कहती है कि हम क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म को जज नहीं करते हैं, वो जर्नलिस्ट किस तरीके की क्वालिटी देते हैं अपने जर्नलिज्म में उसको हम जज नहीं करते हैं, बस उनको कितना स्वतंत्रता है इसके बेस पे हम ये रैंकिंग देते हैं। तो इसमें क्या है, 0 से 100 तक की रैंकिंग मिलती है, अगर आपका 100 है तो वो बेस्ट है, 0 है तो वर्स्ट है, मतलब सबसे ख़राब है। तो नेपाल का देखिए 76 है, मतलब इंडिया से बेहतर है क्योंकि इंडिया का तो 150 है। पाकिस्तान का देखें, इंडिया से थोड़ा सा पीछे है पाकिस्तान, 157। श्रीलंका हमसे अच्छा है, श्रीलंका का 146,
बांग्लादेश हमसे पीछे है 162, म्यांमार हमसे काफ़ी पीछे है 176, चाइना भी काफ़ी पीछे ही रहेगी क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मीडिया को स्वतंत्रता है नहीं, तो 175। तो इंडिया का जो पोजीशन है वो कंसिस्टेंटली गिर रहा है, मतलब लगातार गिर रहा है 2016 से ही, क्योंकि ऐसा आरोप लगता है क्योंकि ये जो अभी सरकार चल रही है उसमें कहीं ना कहीं मीडिया की स्वतंत्रता को और छीना गया है। तो 2016 में इंडिया का रैंक था 133 और अभी इंडिया का रैंक आप यहाँ पे देख सकते हैं 150। तो हालत बहुत ही ख़राब हुआ है 2016 से। फिर उसके बाद और वजह जो दिया जाता है कि इंडिया का रैंक क्यों गिर रहा है, क्योंकि वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट, मतलब जो पत्रकार हैं उनके खिलाफ काफ़ी वायलेंस भी हो रहा है, उनको कई जगह पे मतलब मारा जाता है, पीटा जाता है, उनका जॉब छीन लिया जाता है। और ख़ास करके कहा जाता है पॉलिटिकली पार्टीजन मीडिया हो गई है, मतलब जो मीडिया है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की तरफ झुक गई है, तो इसीलिए यहाँ पे रैंकिंग काफ़ी ख़राब हो गया इंडिया का। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, मतलब पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, जो कि 2022 का लेटेस्ट है। तो इसमें क्या है, इंडिया का रैंकिंग मतलब इससे ज़्यादा ख़राब क्या ही होगा कि 180 देश है और इंडिया का रैंक 180वें नंबर पे है ये जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। इसको रिलीज कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करती है। इसमें डेनमार्क पहले पे है, यूके दूसरे पे है, फिनलैंड तीसरे पे है। तो ऑब्वियसली इंडिया इस रिपोर्ट से खुश नहीं रहती है और इस रिपोर्ट का इंडिया बिल्कुल बहिष्कार कर दिया कि 180 मतलब 180 देशों में हमारा रैंक सबसे ख़राब है। यूएस जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका रैंक है 43, रसिया का 112, चाइना का है 161। ये जो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये बाई एनियल है, मतलब साल में ये दो बार रिपोर्ट आता है, तो ये ग्लोबल रेटिंग सिस्टम है। तो ये सारे देशों को रेट करता है उनके इन्वायरमेंट का जो हेल्थ है उसके हिसाब से, कि वहाँ पे सांस लेना कितना अच्छा है या कितना बुरा है, इन्वायरमेंट की स्थिति क्या है। तो इंडिया ऑब्वियसली पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, म्यांमार, ये सब से भी काफ़ी बुरा है और इंडिया का जो स्कोर है वो काफ़ी ख़राब है 18.9। तो जब रैंक ही 180 है भाई, तो इन सब से तो पीछे रहेगा ही, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, म्यांमार, ये सब से भी इंडिया पड़ोसियों से सबसे पीछे, पड़ोसियों क्या सबसे पीछे हो जाएगा इंडिया। अब इंडिया क्या है, स्लिप कर गया, मतलब सबसे कहाँ, बॉटम ऑफ द रैंकिंग, बॉटम मतलब सबसे नीचे रैंकिंग में सबसे नीचे चला गया, और ऐसा पहली बार हुआ है। क्यों, क्योंकि इंडिया का जो एयर क्वालिटी वो बहुत ही हजार्डस हो गया, मतलब बहुत ही ख़राब हो गया है, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया है इंडिया में, इसीलिए एयर क्वालिटी है वो बहुत घटिया हो गई है, तो इसीलिए इंडिया का रैंक बहुत ही नीचे आ गया, सबसे निचला। तो 27.6 ये स्कोर इंडिया का कब था, इंडिया का स्कोर था ये 2020 में। 2022 में ये स्कोर आप देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था 2022 में ये स्कोर हो गया है इंडिया का सिर्फ 18.9, यहाँ पे सबसे नीचे आप देख रहे हैं 18.9, पहले कितना था 2020 में 27.6 था, इसीलिए इंडिया की रैंकिंग भी अच्छी थी 168, 168वें नंबर पे, अब तो सीधा 180 पे चली गई है। तो ये जो रिपोर्ट है ये सिर्फ कुछ देश को बताती है जो कि बहुत अच्छी है, किस मामले में, ये जो ग्रीन हाउस गैस न्यूट्रैलिटी अचीव करना 2050 तक, कि हम ग्रीन हाउस गैस बिल्कुल भी इमिट नहीं करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे ग्रीन हाउस गैस इमिट करे, तो उस रास्ते पे सिर्फ दो ही देश है, एक डेनमार्क और एक यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, बाकी कोई भी देश इस पाथ पे नहीं चल रही है। तो अब बात करते हैं नौवे इंडेक्स के बारे में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक, मतलब नए नए आइडियाज़, ये भी 2022 का लेटेस्ट रैंकिंग है। तो इंडिया का रैंक है इसमें 40वां आउट ऑफ 132 कंट्रीज, तो इंडिया ओवरऑल ठीक है इसमें। तो इंडिया का रैंक 2021 में कितना था, 46, और 2015 का अगर बात करें तो इंडिया का रैंक था 81। तो 2015 से इंडिया काफ़ी सुधार किया, ऑलमोस्ट दुगना से भी ज़्यादा, मतलब अच्छा सुधार किया इंडिया। अब है कि इस रिपोर्ट को जारी कौन करती है, तो वो जारी करती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को जारी करती है, ये आप ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि ये रिपोर्ट अक्सर एग्ज़ाम में आता है। इंडिया का रैंक है 40, जारी करती है इसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और जो मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी है या कंट्री है वो है स्विट्ज़रलैंड 2022 के हिसाब से, और उसके बाद कोई है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर है स्वीडन, फिर है यूके, फिर नीदरलैंड्स। तो ये टॉप फाइव के देश हैं जो कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में टॉप फाइव में हैं। अब अगर इंडिया की बात करें तो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में इंडिया इनोवेशन लीडर है,
क्योंकि लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में जो भी कंट्रीज़ आती है उसमें इंडिया का परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है। तो 2022 का जो ये था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, उसका एक थीम था व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ, मतलब इनोवेशन ड्रिवन जो ग्रोथ है उसका फ्यूचर आगे क्या है, ये 2022 का थीम था। तो आप रैंकिंग और कौन जारी करता है वो और टॉप पे कौन है, ये कम से कम ज़रूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं 10वें इंडेक्स के बारे में, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, मतलब अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। ये जो बौद्धिक संपदा सूचकांक है ये भी लेटेस्ट है 2022 का। इंडिया का जो रैंक है वो है 43 आउट ऑफ 55 कंट्रीज़, 55 देशों के रैंक में इंडिया 43वां है। तो ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है ये 2022 से जारी होना स्टार्ट हुआ था और ये एनुअल रिपोर्ट है, साल में एक बार जारी होता है। और इसको कौन जारी करती है, यूनाइटेड स्टेट्स का चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इसको जारी करती है इस रिपोर्ट को। अब यूएस इस पे टॉप पे है, कितना इसका नंबर क्या है परसेंटेज, 95.4% है और यूएस टॉप पे है। इंडिया हालांकि कुछ सुधार किया है, 38.4 इसका मतलब स्कोर था, वहाँ से बढ़कर 38.6 कर लिया है, लेकिन रैंकिंग में कुछ खास सुधार नहीं हुआ है क्योंकि नंबर भी आप देखें तो बहुत ही कमी बढ़ा है। फिर इसमें क्या है, 50 यूनिक इंडिकेटर्स के बेस्ड पे इसका रैंकिंग तैयार होता है और इसमें 9 कैटेगरीज ऑफ प्रोटेक्शन भी देखा जाता है। फिर उसके बाद क्या है, ये जो आप यहाँ पे 9 कैटेगरीज ऑफ प्रोटेक्शन है वो देख सकते हैं, यहाँ पे पेटेंट्स कितने पेटेंट्स आपके नाम पे हैं, कॉपीराइट्स कितने आपके नाम पे हैं, ट्रेडमार्क्स कितने हैं, डिज़ाइन राइट्स कितने हैं, ये सब कुछ देखा जाता है वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में। तभी आपको पता चलता है कि आपके देश में नवाचार मतलब नए नए आइडियाज़ के क्या हालात हैं। तो ये जो इंडेक्स है इनोवेशन जो प्रॉपर्टी इंडेक्स है, इसके बारे में क्या है, ये कैसा रोड मैप बनाता है पॉलिसी मेकर्स के लिए, जो पॉलिसी बनाती है सरकारों में उनके लिए एक रोड मैप तैयार करता है कि आखिर क्रिएटिविटी को कैसे सपोर्ट किया जाए, कैसे नवाचार को बढ़ावा दिया जाए, इनोवेशन मतलब नवाचार को कैसे बढ़ावा दिया जाए। फिर इसके बाद क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे किया जाए इसके थ्रू, नवाचार के थ्रू। तो ये सब होता है और जो मेन मेन चीज़ें आप याद रखें, इंडिया का रैंक फिर इसे जारी करती है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूएस इस पे टॉप पे है, ये सब आप ध्यान रखें। तो अब बात करते हैं 11वें इंडेक्स के बारे में, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो मतलब जो जेंडर है अलग अलग उसमें क्या गैपिंग है उसके बारे में ये। तो ये 2022 का ये रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट है। तो जो इसमें इंडिया की रैंक है वो है 135 आउट ऑफ 146 कंट्रीज़, मतलब यहाँ पे भी इंडिया की स्थिति बहुत ही ख़राब है। इसको जारी कौन करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया का जो स्कोर है वो है 0.625, तो ये था 2021 में, अभी है 0.629 2022 में। तो लास्ट ईयर जो इंडिया की रैंकिंग थी वो थी 140, लेकिन देश भी यहाँ पे ज़्यादा लिया गया था 156 कंट्रीज़। अब है कि इसको रैंकिंग भाई किस हिसाब से किया जाता है, जहाँ पे आप इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी ख़राब बता रहे हैं 135 आउट ऑफ 146, तो आखिर क्या वजह है। तो इसमें क्या है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, कि इकोनॉमी में आप कितना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं औरतों को, मतलब कितना उनके पास जॉब्स है, अगर जॉब्स है तो कितना इक्वल पे आप दे रहे हैं या नहीं, मतलब समान काम के लिए समान वेतन जो है वो आप दे रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मर्द अगर वही काम कर रहा है तो उसे 50,000 मिल रहे हैं और औरत कर रही है तो उसे सिर्फ 30,000 मिल रहा है। तो ये सब कुछ इसमें देखा जाता है, जिसमें इंडिया की स्थिति ख़राब है इसीलिए रैंकिंग भी ख़राब है। फिर एजुकेशनल अटेनमेंट, कि आखिर महिलाएं आपके देश में कितना पढ़ रही है, प्राइमरी हो सेकेंडरी हो टर्सियरी हो, ये सब मतलब एजुकेशन में महिलाएं कितनी आगे हैं। फिर हेल्थ एंड सर्वाइवल, कि भाई जेंडर गैप बचपन के समय पे क्या है, कितने महिला और कितने पुरुष पैदा हो रहे हैं, ये सब कुछ देखा जाता है। फिर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, कि आखिर पॉलिटिकली कितना एम्पावरमेंट है महिलाएं आपके देश में। हालांकि ये जो मतलब इंडिविजुअल अगर इसको आप देखें तो इसमें इंडिया का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, 48 नंबर पे इंडिया इसमें आउट ऑफ 146, इसलिए क्योंकि इंडिया में महिलाओं को थोड़ा पॉलिटिकली एम्पावरमेंट है, कि मतलब अच्छे खासे नंबर में महिलाएं जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, यूनियन मिनिस्टर्स हैं, है ना, पॉलिसी मेकर्स हैं, इसलिए इसमें अच्छा है इंडिया। लेकिन बाकी ये जो तीनों है इसमें इंडिया बहुत ही ख़राब है, इसीलिए ओवरऑल रैंकिंग जो है इतना ख़राब है इंडिया का, 135 आउट ऑफ 146। तो अब बात करते हैं 12वें इंडेक्स के बारे में, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट।
ये भी 2022 लेटेस्ट का है। इंडिया का जो रैंक है इसमें वह है 121 आउट ऑफ 163 कंट्रीज़। अगर वही आप बात करें 2020 में तो इंडिया का रैंक था 117, फिर बात करें 2021 में तो था 120, अभी और ख़राब हो गया है, वो हो गया 121 हो गया है। इसको पब्लिश कौन करता है, मतलब इसको रिलीज़ कौन करता है, बनाता कौन है? तो कुछ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं, कहाँ के? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के। तो वही इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। किस रिपोर्ट को? ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट को। हिंदी में कहें तो वैश्विक सतत विकास जो ये इंडेक्स है इसको जारी करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। फिर ये जो इंडेक्स है ये टॉप करता है फिनलैंड, और फॉलोड बाई, मतलब इसके पीछे कौन कौन है? डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, ये सब दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे है। तो ये क्या है, मेज़र करती है ये रिपोर्ट क्या कि आखिर प्रोग्रेस क्या है, किस चीज़ में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2000 में लिया गया था मिलेनियन डेवलपमेंट गोल्स MDGs, जो कि काफ़ी सफल रहे। तो उसके बाद फिर अपनाया गया SDGs, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि टोटल 17 है और 2030 तक अचीव करना है। तो अगर कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करें तो जैसे कि नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी रहनी ही नहीं चाहिए 2030 तक, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। और अगर आप बात करें तो ज़ीरो हंगर, मतलब भूखमरी बिल्कुल ना रहे। तो ये सब 17 हैं टोटल, ये सब लिए गए हैं कि 2030 तक इसको पूरा करना है, जिसका नाम दिया गया SDG, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इसमें इंडिया का रैंकिंग आप देख लें क्या है, 121 आउट ऑफ 163। तो अब बात करते हैं इसके आगे, तो ईस्ट एंड साउथ एशिया रीजन जो है ये सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस किया है SDGs के मामले में। जब से ये अडॉप्ट हुआ, SDG कब अडॉप्ट हुआ है, 2015 में, भी मैंने आपको बताया था। कंबोडिया और बांग्लादेश, ये दो ऐसे देश हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस किया है SDG को अचीव करने में। वेनेजुएला जो है ये सबसे ख़राब परफॉर्मेंस किया है, सबसे नीचे गया है SDG इंडेक्स में। तो ये था 12वां। अब बात करते हैं अपने 13वें इंडेक्स के बारे में, जो कि है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, मतलब वैश्विक जो ये टेररिज्म है उसके सूचकांक के बारे में, जो आतंकवाद है उसके सूचकांक के बारे में 2022 का। तो इंडिया का जो रैंक है वो है 12, और इसको टॉप किया जाता है अफ़गानिस्तान के द्वारा। अफ़गानिस्तान एकदम टॉप में है टेररिज्म के मामले में, और इंडिया का रैंक है 12वां। इसे कौन तैयार करती है इस रिपोर्ट को? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, वो इस रिपोर्ट को तैयार करती है, जिसके हैं स्टीव किलिया है 2002 में। फिर उसके बाद फिर क्या है, 2002 से ये स्टार्ट हुआ था। ये एक ओवरव्यू प्रोवाइड करती है कि ग्लोबल ट्रेंड क्या है टेररिज्म में, मतलब आतंकवाद में। फिर ये कंट्रीज़ को रेट करती है किस हिसाब से, कि वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी कितनी होती है। फिर चार प्राइमरी क्रिटेरिया होते हैं इसको रेट करने के लिए, वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ टेररिस्ट इंसिडेंट्स इन द कंट्री इन द ईयर, एक साल में टोटल कितने आतंकवादी घटनाएँ हुए हैं। फिर नंबर ऑफ इंजरीज कॉज्ड बाय टेररिज्म, आतंकवाद के द्वारा कितनी दुर्घटनाएं हुई है। नंबर ऑफ डेथ्स रिजल्टिंग फ्रॉम टेररिस्ट एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स, मतलब ये जो आतंकवादी घटनाएं हैं उससे कितने लोगों को मृत्यु हुई है। फिर प्रॉपर्टी डैमेज कॉज्ड बाय टेररिस्ट इन द ईयर, आतंकवादियों द्वारा कितना प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया। तो ये चार चीज़ों को देख कर ये इंडेक्स निकाला जाता है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, जिसमें इंडिया का रैंक है 12वां और टॉप पे है अफ़गानिस्तान। अब बात करते हैं सिप्री रिपोर्ट के बारे में, 2022 का रिपोर्ट है। तो सिप्री का फुल फॉर्म होता है बेसिकली स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये जो है इसमें जारी किया जाता है ये रिपोर्ट इसलिए जारी किया जाता है, ये बताता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को देखा जाता है, आर्मामेंट्स, मतलब कितने और नए नए आपने आर्म्स भरे हैं, आर्म्स कंट्रोल, कि आर्म्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, डिसआर्मामेंट, कितने मतलब लोगों ने हथियार को छोड़े हैं, तो ये सब देखा जाता है। तो फिर इसमें बताया ये भी जाता है कि आखिर दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इम्पोर्टर कौन है, आर्म्स एक्सपोर्टर कौन है, मतलब हथियार का। तो जो सबसे बड़ा इम्पोर्टर है पांच देश, वो टॉप पे है सऊदी अरबिया, मतलब सऊदी अरबिया दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है आर्म्स का, मतलब हथियारों का, ये बहुत हथियार आयात करता है दूसरे देशों से। दूसरे नंबर पे इंडिया आयात करता है, तीसरे पे इजिप्ट है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, पाँचवें नंबर पे चाइना है, जो कि बहुत भारी मात्रा में हथियार आयात करता है, मतलब अपने देश में मंगवाता है दूसरे देशों से।
यही पांच देशों का बात करें तो दुनिया भर में जो ये जो आयात होते हैं हथियार, उसका 36% यही पांच देश आयात करते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट कौन करते हैं भाई, तो वो है यूएसए, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है आर्म्स का। दूसरे नंबर पे है रसिया, तीसरे नंबर पे है फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर पाँचवें पे है चाइना। तो इंपोर्ट करने के मामले में भी चाइना पाँचवें नंबर पे है, और एक्सपोर्ट करने के मामले भी चाइना पाँचवें नंबर पे है। फिर ये रिपोर्ट और भी बातें बताती है, जैसे कि न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ कितने हैं, तो इसके हिसाब से, सिप्री के हिसाब से 9 हैं। यूएस है, रसिया है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है, ये तो पांच ऑफिशियल है। फिर अब तो इंडिया भी ऑफिशियल है, पाकिस्तान ऑफिशियल है, इजराइल है, फिर डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मतलब नॉर्थ कोरिया, जहाँ पे किम जोंग उन वहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो ये इस तरीके से 9 देश ऐसे हैं जो कि आर्म्ड स्टेट्स हैं, न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स, ये सिप्री के रिपोर्ट के हिसाब से है। अब अगर बात करें कि किसके पास कितनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, तो रसिया और यूएसए, सिर्फ यही दो देशों को मिलाकर 90% जो न्यूक्लियर वेपन्स है यही दोनों देशों के पास है। फिर चाइना की बात करें तो उसके पास 350 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। इंडिया के पास 160 है, हालांकि 2021 में 156 था, इंडिया ने कुछ बढ़ाया है। पाकिस्तान के पास बात करें तो ऑलमोस्ट 165 से लेकर 170 के आसपास है। फिर क्या है, 85% ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स, मतलब इंडिया सबसे ज़्यादा कहाँ से इम्पोर्ट करता है हथियार, तो सबसे ज़्यादा इंडिया करता है रसिया से 46%, फिर फ्रांस से 27%, फिर यूएसए से 12%। तो ये सब सिप्री का रिपोर्ट है। फिर सिप्री और भी कुछ बातें बताती है, जैसे कि किस कंट्री का डिफेंस बजट कितना है, ये हमेशा बताती है सिप्री हर साल। तो उसमें क्या है कि यूएसए का जो है सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 801 बिलियन डॉलर, तो यूएसए टॉप पे रहता है डिफेंस बजट में। अब अगर दूसरे तीसरे से लेकर अगर 10वें रैंक तक की बात करें, तो दूसरे तीसरे से लेकर 10वें रैंक तक जितना देश नहीं खर्च करते उतना देश अकेले डिफेंस बजट पे खर्च करता है, क्योंकि यूएसए का जो डिफेंस बजट है वो है 801 बिलियन डॉलर, ये सबसे लेटेस्ट है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का डिफेंस बजट होता है ऑलमोस्ट 65 से 70 बिलियन डॉलर, यही है इंडिया का डिफेंस बजट। चाइना का है लगभग 250 बिलियन डॉलर, लगभग चाइना का यही है डिफेंस बजट। तो खैर, हम लोग अपने 15वें इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ये है हमारा 15वां। निर्यात तत्परता सूचकांक, ये 2022 का लेटेस्ट है। तो गुजरात को इसमें इंडिया का सबसे टॉप स्टेट बताया गया है एक्सपोर्ट करने के मामले में, कि यहाँ पे जो निर्यात करने की जो तत्परता है वो सबसे बेहतर है, और ये लगातार दूसरी बार हुआ जब गुजरात ये जीता है। फिर क्या है, इस इंडेक्स को रिलीज़ कौन करती है, वो करती है नीति आयोग। नीति आयोग जिसको बनाया गया था प्लानिंग कमीशन को स्क्रैच करके, मतलब स्क्रैप करके, हटा करके। फिर क्या है, ये आइडेंटिफाई करती है, बताती है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, क्या क्या चैलेंज है और क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है, किस चीज़ के लिए, इन्हेंस करने के लिए, इफेक्टिव इन्हेंस करने के लिए इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, किस लिए, क्योंकि ये इनकरेज करना चाहती है एक्सपोर्ट को। तो इसमें फिर क्या है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, पहले पर गुजरात, ऊपर हम लोगों ने देख लिया था गुजरात लगातार दूसरे साल टॉप किया है, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, फिर है कर्नाटका, फिर है तमिलनाडु, जहाँ जहाँ से एक्सपोर्ट करना बहुत आसान हो जाता है। और उसकी सबसे वजह ये भी है क्योंकि ये सारे जो स्टेट्स हैं वो सब कोस्टल स्टेट्स हैं, मतलब समुद्री तट पे हैं, तो वहाँ से कुछ भी एक्सपोर्ट करना हो तो शिप ईज़िली वहाँ पर पहुँच जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बिल्कुल हाई लेवल पर होती है, क्योंकि सी पोर्ट्स एकदम बगल में होती है, इसीलिए यहाँ से एक्सपोर्ट करना काफ़ी आसान होता है। और इसमें क्या है, इस रिपोर्ट को बनाया जाता है जिसके 4 पिलर्स हैं, 11 सब पिलर्स हैं और 6 इंडिकेटर्स हैं, तो टोटल 28 राज्य और 8 UTs को इसमें कवर किया जाता है। तो इसमें अगर आप देखें 4 पिलर्स, तो एक है पॉलिसी, फिर बिजनेस इकोसिस्टम क्या है आपके देश में, फिर एक्सपोर्ट का क्या इकोसिस्टम है, फिर एक्सपोर्ट का परफॉर्मेंस क्या है, तो ये सब कुछ देख कर ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है। अब आइडिया क्या है ये इंडेक्स बनाने का, कि एक ऐसा बेंचमार्क तैयार करना है, स्टेट्स को ऐसी रैंकिंग देनी है, स्टेट्स और यूटीज़ को, मतलब यूनियन टेरिटरीज़ को, ताकि वो क्या करे, प्रमोट करे एक एक्सपोर्ट के इन्वायरमेंट को अपने रीजन में। अब बात करते हैं 16वें इंडेक्स के बारे में, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, मतलब जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। तो इसमें इंडिया का जो रैंक है वो है 10। फिर क्या है, एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल है, किस लिए, ट्रैक करने के लिए क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस जो है
उसके तो 60 देशों को रैंक करती है, और साथ में एक यू को जोड़ लिए तो यू में लगभग 28-29 देश आ जाते हैं। फिर अगर बात करें ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसको रिलीज़ कौन करता है? इसको रिलीज़ करता है जर्मन वॉच। और ये कब रिलीज़ किया था? अभी हाल ही में जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का 26th मीटिंग जब हुआ था, तो उसी समय ये रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया था। इस रिपोर्ट की जो सबसे ख़ास बात यह है कि कोई भी देश ऐसा नहीं रहा जो पहले तीन पोजीशन पे रहा, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा पोजीशन खाली रहा उस पर, मतलब कोई देश इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया ही नहीं कि पहला, दूसरा, तीसरा रैंक उसे दिया जाए। तो आप समझ सकते हैं जो डेनमार्क है वो सबसे टॉप रैंक की कंट्री रही और ये रही चौथे नंबर पे, तो इस पे टॉप पे कोई था ही नहीं। और स्वीडन और नॉर्वे क्रमशः पाँचवें और छठे नंबर पे रहा इस रिपोर्ट में, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस रिपोर्ट या इंडेक्स में। यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम वो रहा 7वें नंबर पे, इंडिया रहा 10वें नंबर पे, जर्मनी 13वें पे, फ्रांस 17वें पे। तो ये सब थे बेस्ट परफॉर्मेंस G20 कंट्रीज़, ये सब G20 की बातें थी। सऊदी अरबिया जो थी वो G20 में सबसे ख़राब परफॉर्मेंस दी है इस रिपोर्ट में। अब इसमें भी चार इंडिकेटर्स देखे जाते हैं, ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस कितना है, रिन्यूएबल एनर्जी जो है उस पर आप क्या काम कर रहे हैं, फिर एनर्जी कितना यूज़ किया जा रहा है, फिर क्लाइमेट पॉलिसी क्या है। तो ये सब चारों इंडिकेटर्स को देख के ये रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अब बात करते हैं 17वें रिपोर्ट के बारे में, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। तो इसमें क्या है कि बेसिकली ये है कि कौन सा, मतलब जो शहर है वो रहने के लिए सबसे बेहतर शहर है। तो ये 2022 का लेटेस्ट रैंकिंग है। तो इसमें क्या है, 173 सिटीज़ को रैंक किया गया, और इसको पब्लिश कौन करता है इस रिपोर्ट को? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड भर में 173 सिटीज़ को रैंक किया जाता है। अब इसको, इनको रैंक किस बेस पे किया जाता है? एजुकेशन, इन्वायरमेंट और हेल्थ केयर के बेस पे। इसके पीछे मतलब लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों आखिर इस मतलब रिपोर्ट को बनाया जाता है? इसलिए क्योंकि ताकि देखा जाए कि सबसे अच्छा और सबसे ख़राब शहर कौन सा है रहने के लिए। तो जो सबसे अच्छा 10 शहर है वो एक है वियना ऑस्ट्रिया, कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में है, ज्यूरिख जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, कैलगरी कनाडा में है, वैनकूवर ये भी कनाडा में है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है, टोरंटो कनाडा में है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, ओसाका जापान में, और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो ये जो 10 देश है ये रहने के लिए सबसे अच्छे देश हैं। अब अगर अच्छे की बात की है तो ख़राब की भी बात करते हैं। सबसे ख़राब कौन सा है? तो तेहरान ईरान का, डौला कैमरन हरारे जो कि जिम्बाब्वे की राजधानी है, ढाका बांग्लादेश। तो इस तरीके से ये 10 जो हैं वो सबसे ख़राब हैं रहने के मामले में। फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार हुआ जब इंडिया की 5 सिटीज़ इसमें अपना स्थान बना पाई है। उसमें दिल्ली का जो स्थान है, जो हमारी कैपिटल है, वो 112वें नंबर पे है। मतलब हमारा कोई पहला लिया गया और वो भी 112वें नंबर पे है। मुंबई 117वें पे है, चेन्नई 142वें पे है, अहमदाबाद 146वें रैंक पे है। अब बात करते हैं फोर्ब्स बिलियनेयर्स 2022, फोर्ब्स के हिसाब से बिलियनेयर्स की लिस्ट में जो उसमें टॉप पे कौन है? एलन मस्क ऑब्वियसली बहुत ही आगे हैं, $219 बिलियन की संपत्ति है इनके पास। तो ऐसा पहली बार हुआ जब ये टॉप पे आए हैं, क्योंकि अचानक से 2020 के बाद ही ये टॉप पे आए हैं 2021 के आसपास। ये 6 कंपनी के को फाउंडर हैं, जिसमें एक सबसे मेन है टेस्ला, और एक रॉकेट की कंपनी है स्पेसएक्स, ये दो सबसे मेन है। एक कंपनी है इनका स्टार्टअप है बोरिंग कंपनी। इस तरीके से 6 कंपनी के ये को फाउंडर हैं। जेफ बेजोस जो कि अमेजोन के मालिक हैं वो रहे हैं दूसरे स्थान पर, और उनका नेटवर्थ कितना है जेफ बेजोस का? वो है $171 बिलियन। अब एक इंडियन की ही बात कर लेते हैं, मुकेश अंबानी जी की, जो कि रहे हैं 10वें नंबर पे फोर्ब्स की लिस्ट में, और इनका जो है टोटल नेटवर्थ वो है $90.7 बिलियन। अमेरिका में सबसे ज़्यादा बिलियनेयर हैं 735। अब अगर सिटी की बात करें तो लास्ट ईयर तक बीजिंग था, लेकिन न्यूयॉर्क ने अपना दोबारा अपना स्थान हासिल कर लिया। न्यूयॉर्क सिटी जो है उसमें सबसे ज़्यादा बिलियनेयर है। दुनिया भर की सिटीज़ में सबसे ज़्यादा अगर कहीं कोई बिलियनेयर है तो वो है न्यूयॉर्क में। अब बात करते हैं अपने 19वें इंडेक्स के बारे में, हुरून इंडिया हेल्थ केयर रिच लिस्ट। तो ये 2022 का है, मतलब हेल्थ केयर में जो है उनमें सबसे ज़्यादा अमीर कौन है? तो जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, डॉक्टर साइरस एस पूनावाला, वो इसमें टॉप पर रहे हैं। किसमें? हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में। और ये क्या है, richest billionaire बन गए हैं हेल्थ केयर के
सेक्टर में। इनका नेटवर्थ जो है वो है $26 बिलियन, हालांकि इसमें 41% का उछाल आया है, वो उछाल को जोड़कर है $26 बिलियन। इनको पद्मश्री मिला था 2005 में और पद्म भूषण मिला है 2022 में। कोरोना में इस मतलब ये जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका बहुत ही योगदान रहा था वैक्सीन को बनाने में, भारी मात्रा में प्रोड्यूस करने में, तो इसीलिए पद्म भूषण भी मिला 2022 में। अगर इसके बाद अगर बात करें तो वो है थॉमस फ्रिस्ट जूनियर एंड फैमिली का नंबर आता है। फिर चाइना 43 हैज़ द मोस्ट हेल्थ केयर इंडस्ट्री बिलीनियर्स। अगर हेल्थ केयर सेक्टर के बात के बारे में बात करें तो इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बिलीनियर्स चाइना में है 43, USA में 16 है, स्विट्ज़रलैंड में 15 है, जर्मनी में 11 है और इंडिया में टोटल 9 बिलीनियर हैं हेल्थ केयर से। अब बात करते हैं एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट के बारे में, जो 2022 का रिपोर्ट है, तो इसे जारी कौन करती है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम इस रिपोर्ट को जारी करती है। तो ये 61 देशों को रैंक करती है, इट रैंक्ड 61 सिटीज़। और इस रिपोर्ट को टाइटल क्या दिया गया? नॉइज ब्लेजेज एंड मिसमैचेस। ठीक है, बेसिकली कहाँ पे नॉइज पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इस हिसाब से ये रिपोर्ट बनाया जाता है। तो ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी, ये नॉइजेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड के नाम से फेमस हो गई है, कि मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। उसके बाद मुरादाबाद जो कि यूपी में है, उसके बाद इसका नंबर आता है। अब अगर टॉप 5 इंडियन सिटीज़ की बात करें तो है आसनसोल, जयपुर, कोलकाता, न्यू दिल्ली और मुरादाबाद। अब एक और यहाँ पे आप देख सकते हैं इरबिद, जो कि जॉर्डन में एक जगह है, इसको वर्ल्ड्स क्वाइटेस्ट सिटी का नाम दिया गया, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे शांति रहती है। और इसके बाद जो है वो है ल्यून, जो कि फ्रांस की है। तो यही थे 20 इंडेक्स, आशा है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको थोड़ा भी फायदा हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं उसके बेस्ड पे हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हम लोगों ने 20 इंडेक्स अभी देखा है उसी के बेस्ड पे ये 10 क्वेश्चन है, देखिए कि आप लोगों ने कितना सीखा है। हु इज़ द लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर इन द वर्ल्ड। दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा हथियारों का आयातक है, मतलब इम्पोर्टर है, सबसे ज़्यादा कौन इम्पोर्ट कराता है अपने देश में आर्म्स को? इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया या सऊदी अरबिया? तो जो सबसे बड़ा इम्पोर्टर है वो है सऊदी अरबिया। तो पहले पे ये है, दूसरे पे इंडिया है, तीसरे पे इजिप्ट है, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया है और चौथे पे पाँचवें पे चाइना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरबिया। दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, हु रिलीजेज द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। तो इसको कौन रिलीज करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक या IMF? तो इस रिपोर्ट को रिलीज करती है नीति आयोग। तीसरा, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? 82 है, 83 है, 84 है या 114 है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की तरफ से इंडिया का जो रैंक है वो है 83। चौथे प्रश्न के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन पब्लिश करता है इस रिपोर्ट को? वर्ल्ड बैंक करता है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ये करती है, या UNSDSN करती है, या UN डेवलपमेंट प्रोग्राम करती है, कौन करती है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यही जारी करती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। अब पांचवें प्रश्न के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। विश्व खुशहाली जो सूचकांक है उसमें इंडिया का रैंक क्या है? 132 है, 136 है, 63 है या 83 है? तो इसमें इंडिया का रैंक है 136, 146 देशों के मतलब तुलना में। छठा प्रश्न, व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग क्या है? 83 है, 85 है, 150 है या 136 है? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 85। सातवां, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक, इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? UNSDSN, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन या US चैम्बर ऑफ कॉमर्स? तो इसको जारी करती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इस रिपोर्ट को जारी करती है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट को। आठवां, व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ये जो वैश्विक आतंकवाद है सूचकांक, उसमें इंडिया का रैंक क्या है? 12 है, 16 है, 33 है या 63 है? तो इसमें जो इंडिया का रैंक है वो है
बारवा नंबर, विच इज़ द बेस्ट एंड वर्स्ट लिवेबल सिटी इन द वर्ल्ड, सबसे अच्छा और सबसे ख़राब शहर कौन सा है रहने के लिए? कोपनहेगन, तेहरान, वियना ऑन डौला, कोपनहेगन एंड डौला, वियना एंड तेहरान, कौन सा है? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वियना सबसे अच्छा है और तेहरान सबसे ख़राब है। विच रिपोर्ट इज़ रिलीज्ड बाई द जर्मन वॉच इंस्टीट्यूशन, जर्मन वॉच इंस्टीट्यूशन है वो कौन सा रिपोर्ट रिलीज़ करती है? इन चारों में आपको बताना है। तो जर्मन वॉच रिलीज़ करती है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इस रिपोर्ट को जर्मन वॉच रिलीज़ करती है। तो यही थे आपके 10 क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।